पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो है तो सिंध में बेहतरीन मकानी निज़ाम आणे रहा हूं। कराची जो आवाम पीपी डां वाझा रहो है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे बिलावल भुट्टो जरदारी चयो है तो सिंध के मकानी कानून के कारो कानून चमड़न जो मुंह कारो थींदो। ईंदड़ चूंडन में न बेट हलंदी न ही लगड़ रुगो तीर हलंदो। हाँ प्रॉपर्टी टैक्स सीधी रीत लोकल बॉडीज वट वेंदो। म्युनिसिपल इख्तियारन जो चेयरमैन चूंडियल मयरफ हूंदो। सिहत तालीम कानून लागू कंदड़ इदारन जो इख्तियारियूं पंहिंजे इलाइक़न जे नुमाइंदन के जवाबदेह हूंदियूं। तामीरी तनक़ीद जाइज़ आहे। लोकल बॉडीज इलेक्शन में ॾेखारींदासीं त जेकॾहिं का सियासी जमायत आहे त उहा पीपल्स पार्टी आहे। सन चवण हो त इहो कानून सिंध हुकूमत आंदो आहे। उनजो पंजाब ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं इस्लामाबाद जो कानून मुक़ाबिलो नथो करे सघे। माण्हू सम्झनि था त उन्हनि जा मसला असां हल करे सघूं था। पीपी तरक़ी करे रही आहे, आवाम असां ॾांहुं वाझाए रहियो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त मुंहिंजे ॼमण खां वठी कराची में दहशतगर्दनि जो राज रहियो। तव्हां लसानियत जी सियासत कंदव त आवाम तव्हांखे रद्द कंदो। असां पाकिस्तान ज़िंदाबाद ऐं तव्हां पाकिस्तान मुर्दाबाद जो नारो हणंदा आहियो। पाकिस्तान मुखालिफ़ नारा हणंदड़ केरु थींदा आहिनि? असांखे लेक्चर ॾियण वारा। और ये लोग 2021 में ना घर बना सकते हैं और जो घर मौजूद है वो गरीबों के सर से छत छीन रहे हैं। बाकी पार्टीज को पाकिस्तान के आवाम ने भुगता है और अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चांस देने को तैयार है। जो इनकलाबी लोकल बॉडी एक्ट सिंध हुकूमत ने पास किया है, जो बाकी सूबे से अगर आप कंपेयर करें तो सूबाई सिंध ने सबसे ज़्यादा इख्तियार अपना लोकल बॉडी एक्ट में दिया है। हमारा मुखालफीन है जो अपोजिशन जमातें हैं जिन्होंने हमारा कानून का तंकीद किया है, तंकीद करना उनका हक है लेकिन झूठ बोलना किसी का हक नहीं है। हम कराची में और पूरा सूबा में अपना लोकल बॉडी निज़ाम को एम्पावर कर रहे हैं। जो फाइनेंशियल पावर्स है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो आज इस कानून से पहले सूबाई सिंध की हुकूमत जमा करती थी, हम वो पावर्स लोकल बॉडीज को दे रहे हैं। जब लोकल बॉडीज खुद अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला उनका कोई रेवेन्यू का मसला नहीं होगा, उनका कोई फाइनेंस का कोई मसला नहीं होगा। वो खुद अपना पैसा जमा करके अपने अवाम के मसाइल हल करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो कानून सिंध हुकूमत ने लेकर आए हैं, ना पंजाब का कानून हमारा मुकाबला कर सकता है, ना पख्तूनख्वा का कानून हमारा मुकाबला कर सकता है, ना इस्लामाबाद का कानून हमारा मुकाबला कर सकते हैं। जो कह रहे हैं कि ये काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, कराची के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं? हम वफाक परस्त हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो। आप अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने को तैयार हो, मैं आज भी आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। आप लिसानियत खेलेंगे, आप एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा।